नमस्कार, लाउड किसान शो में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। आज दो लोगों को बहुत बधाई देने की इच्छा हो रही है, एक तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े साहब, इसलिए कि जो हमने 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सरकार को परेशान करने वाला किया ही नहीं। ज्यादातर फैसले लोगों की ख्वाहिशों के नाम पर सरकार को एक तरीके से रास्ता देने के लिए हो रहे हैं। कल भी यही हुआ। कल क्या हुआ? और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने, उनके यहां पर कोई शख्स है, कोई टीम है जो चीजों को सरल बनाने के तरीके ढूंढती है। कहां लोग सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किए हैं, खासकर चीफ जस्टिस ने, देश के मुख्य न्यायाधीश ने, उन कमेंट्स ने एक आशा जगाई कि किसानों की बात कुछ सुनी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश महोदय और प्रधानमंत्री जी, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय भी लोकतांत्रिक सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए हम साधारण लोगों की बात तो सुननी चाहिए, आपको अच्छे लोगों की बात तो आप सुन ही रहे हैं, क्योंकि आज जिन्होंने किसान कानून की प्रति जलाई, आज टेलीविजन के उन चैनलों ने जो अंधभक्ति से सराबोर समाचार लोगों को देते हैं, जो हर चीज को घुमाने में माहिर हैं, उन लोगों ने आज ये कहानी कहनी शुरू कर दी है कि जिन लोगों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई हैं आज, यानी किसानों ने, वो देशद्रोही। उनकी हिम्मत देखिए, कमीनों की, देशद्रोही कह रहे हैं किसानों को। ये बेशर्म, इनके बाप दादे भी किसान थे, अपने बाप दादे को ये देशद्रोही कह। कोई भी शहर में पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं गांव से आता है, चाहे जिस चैनल का एंकर हो, जिस चैनल के रिपोर्टर। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिसने भी आपको ये राय दी कि कमेटी बनाइए और उस कमेटी में किन किन को रखिए, आप तो मुख्य न्यायाधीश हैं, आपके पास उनका बैकग्राउंड आया होगा, उनका बायोडाटा आया होगा, क्योंकि आपको तो इनके नामों के बारे में बहुत नहीं पता। तो कृषि मंत्री ने ये आपको बताया, कृषि मंत्रालय ने बताया, नहीं, ये कोई ना कोई वो टीम है जो मैनेज करती है, उसने आपसे कहा कि इन 4 लोगों को आप कमेटी में रखिए। कौन? एक वो जो उन किसानों के बीच में कभी गया ही नहीं जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनका दर्द है। और बोबड़े साहब, आपने रामायण शायद नहीं पढ़ी है, क्योंकि आप बड़े घर के आदमी, जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आपकी बिवाई नहीं फटी है, इसका मतलब यह है आप उस दर्द को नहीं जानते जो पैर की बीमारी फटने के बाद जो इस देश के 99% से ज्यादा किसानों के खेत में, धूप में, जाड़े के पानी में खड़े रहने से बीमारियां फटती हैं, उसका दर्द आप नहीं जानते। आपके आंसू कभी नहीं निकले होंगे बीमारियों से, इसलिए आपको दर्द नहीं पता है। ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, और सारे देश के किसान आंदोलित हैं, आपने उनमें से किसी को कमेटी का सदस्य नहीं बनाया, उनसे राय नहीं मांगी आपने। आपने एक ऐसे सज्जन को बनाया जो सरकार का समर्थन करने के लिए कृषि कानून जो बने हैं नए तीनों, उनका समर्थन करने के लिए कुख्यात हैं। दूसरे सज्जन, तीसरे सज्जन और चारों लोग, ये चारों लोग किसान आंदोलन का कृषि विरोध करने के लिए के अपराधी हैं, और खासकर किसानों के आधारित किसानों के दर्द को का मजाक उड़ाने के लिए चारों लोग इसके अपराधी हैं। मैं अपराधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर देश के किसानों को ये कहा जाएगा कि ये देशद्रोही हैं, तो जो इन्हें देशद्रोही कह रहा है वो अपराधी है। दरअसल ये सब चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। मैं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट में उनके लोग हैं, लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी देकर 4 लोगों की एक कमेटी बना दी, और वो सारे कमेंट्स जो मुख्य न्यायाधीश ने किए थे, लग रहा है कि वो मजाक था।
उनको कोई किसानों का दर्द नहीं है, अब ऐसा लग रहा है। और इसको नियोजित करवाने में जाहिर है प्रधानमंत्री जी का तो हाथ होगा ही होगा, प्रधानमंत्री के अलावा भी किसी का हाथ हो सकता है, वो कृषि मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कृषि मंत्री में इतना न दिमाग है न समझ है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये राय दे दे। अमित शाह जी में, राजनाथ जी में, अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट को राय दी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल साधुवादिता वाला फैसला किया, हमने 4 लोगों की कमेटी बना दी है, सब किसान इनके पास जाएं, अपनी इस बात कहें, फिर ये फैसला करेंगे, ये एक रिपोर्ट बना के हमको देंगे कि क्या सही है क्या नहीं। तो आपने कातिल के हाथ में फैसला दे दिया, आपने कातिल के ही हाथ में बंदूक दे दी कि इन्होंने तुम्हारी शिकायत की है, इनका फैसला करो। उसने धाए 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 सबकी आशाओं का खून कर दिया। ये हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिस सुप्रीम कोर्ट से आशा की जाती है कि वो देश के गरीब के, देश के 90%, 80% लोगों के आंख के आंसू पोछेगा या उनके हितों का पहरेदार बन के खड़ा होगा, उस सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं लोगों के आंख के आंसुओं का मजाक उड़ाया जो अपना पसीना गला के नहीं, खून जला करके अन्न पैदा करते हैं और आपको खिलाते हैं। आपने कोई सुविधाएं नहीं दी, उन्होंने अपने लिए सवेरे उठने से लेकर के रात के सोने तक की अपनी व्यवस्था बना ली। मुझे लग रहा है कि शायद आपका भी कमेंट कल परसों ऐसा ही होगा, ये सारे लोग सही लोग नहीं हैं। और आपने जरा वो जो हलफनामा आ रहा है उसे भी जरा देख के हम लोगों के पास, लोगों को बताइए कि वो कौन लोग हैं जो किसानों में खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं, वो कौन है जो किसानों में माफ कीजिएगा देशद्रोही ढूंढ रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो किसानों में आतंकवादी ढूंढ रहे हैं। आपके यहाँ अटॉर्नी जनरल महोदय ने ये शब्द कहे, शर्म नहीं आई उन्हें? शर्म आनी चाहिए उन्हें जो किसानों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो अपने खानदान को, अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के लिए कह रहा हूं मैं, जो सरकार की तरफ से किसानों के विरोध में खड़े हुए, मैं उनके लिए कह रहा हूं। जज साहब, चीफ साहब, आपने देश के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री जी को इस चीज के लिए बधाई जरूर देनी चाहिए कि उनके पास ऐसे लोगों की एक पूरी फौज है, समझदार लोगों की, जो कहीं पर भी जाके चीजों की सेटिंग करके उनका मुख मोड़ देते हैं, रास्ता मोड़ देते हैं। 2 महीने के लिए आपने किसानों का जो मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2 महीने में इस कमेटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए। क्या सरकार फेल हो गई? अब सरकार 15 तारीख को किस चीज की बातचीत कर रही है? अगर आप ही की बनाई हुई कमेटी फैसला करेगी या आपको सलाह देगी और आप उसके ऊपर कोई रुख तय करेंगे, या आपने 2 महीने के लिए इस सारी चीज को टाल दिया और किसानों से आप शायद ये कहने वाले हैं कि किसान अब अपना आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित कर दें, क्या ऐसा होने वाला है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कुछ ऐसा ही होगा। किसान इस देश की रीढ़ है जज साहब। 2007 और 8 में जब एशियन टाइगर गिरा था, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अर्थव्यवस्था लुढ़क गई थी, सिर्फ एक देश था जिसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही और जो बेरोजगारी के या बदइंतजामी के, आर्थिक बदइंतजामी के जाल में नहीं फंसा, वो हमारा देश था, भारत था। और क्यों, उसका कारण भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आप अंग्रेजी बहुत पढ़ते हैं और आप जो कहते हैं वो कमाली है, लेकिन उसका कारण सिर्फ ये था कि इस देश के किसानों ने हमारी जीडीपी को गिरने नहीं दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं होने दिया। मैं 7-8 की बात कर रहा हूं, उसमें मनमोहन सिंह का कोई बहुत कमाल नहीं था, इस देश के किसानों का कमाल था जो चट्टान की तरह खड़े हो गए और देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाल लिया। बिजनेसमैन नहीं खड़े हुए थे, राजनीतिज्ञ नहीं खड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं खड़ा हुआ था, किसान खड़ा हुआ था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। और आज भी किसान है जो पैदावार आपके पास पहुंचाता है,
आप उसका कम कीमत के ऊपर, आपने प्राइस के ऊपर कभी बात नहीं की, किसानों को उनकी प्राइस मिलनी चाहिए। एमएसपी की चिंता आपको नहीं है कि अब इस देश के हर किसान को, 1 बीघा वाला हो या 2 बीघा वाला है, उसकी खरीद इस भाव से नीचे अगर होगी तो वो अपराधी माना जाएगा, वो कंपनी या वो सरकार या वो आढ़तिया जो उससे कम खरीदेगा, इसकी चिंता आपको नहीं है। आपको क्या चिंता हुई? इस देश के किसानों के ऊपर ऐसी कमेटी थोप दो जो सरकार की दुंदुभी बजा रही है, जो सरकार का गुणगान कर रही है, जो सरकार की बांसुरी बजा रही है या ढोल बजा रही है। अवैध कमेटी है ये, दिस इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां अगर कहीं उड़ी हैं, कल सुप्रीम कोर्ट, वकीलों ने उड़ाई है, जो सरकार के तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने उड़ाई, और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। और मैं यहां पर मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि वो अपने एजेंडे पर, क्योंकि उनकी आंख में आंसू किसानों के लेके तो आज तक निकले नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की, जो बात कही वो ये कही कि हमने जो फैसला किया है वो आपके हित में है। कैसे हित में है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हित में है। अब उन्होंने कहा है तो हम मान लेते हैं कि वो हित में है। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी जब से आए हैं, और मैं अगर याद करूं, पहला 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 अगर घटना याद करूं तो नोटबंदी को याद करता हूं। मोदी जी ने कहा हमें 30 दिन का समय दीजिए, लोगों ने आपको हंसी हंसी समय दिया। आपने कहा 30 दिन के बाद मुझे जहां भी कहिए मैं चौराहे पर आ जाता हूं, आप मुझसे सवाल पूछिएगा। अगर नोटबंदी इसके वजह से देश का काला धन न खत्म हो, देश कश्मीर में आतंकवाद न खत्म हो, देश में आतंकवाद न खत्म हो, बहुत सारी चीजें आपने कही थी, वो ब्रह्म वाक्य थे आपके, नहीं हुए। लोगों ने फिर भी आपकी बात पे भरोसा किया। उसके बाद आपने जो जो कहा उसे इवेंट की तरह, उत्सव की तरह इस देश के लोगों ने माना। बहुत सारे लोग आपकी बात पे अब भी भरोसा करते हैं। और आपने जब कृषि कानूनों की तारीफ की तो उन कानूनों के बारे में भी देश के एक हिस्से ने सत्य माना, और विरोध करने के लिए जो किसान आज बैठे हुए हैं सारे देश के, उन किसानों का विरोध करने के लिए वो अपने घरों से निकल आए, हालांकि धीरे 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 वो फिर वापस चले गए। अब कृषि मंत्री कहते हैं कि बहुत सारे किसान इसका समर्थन कर रहे हैं, और हम तो सारे देश के किसानों का सोचेंगे, खाली आपका थोड़ी सोचेंगे। जो यहाँ पर आए हैं वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर 50 लाख लोग दिल्ली में आ जाए, 50 लाख किसान दिल्ली में आ जाए? तो फिर आप आज से 4 साल 5 साल पहले जो कई देशों में बगावत हुई थी, लाखों लोग पहुंच गए थे अपने अपने देश के प्रमुख जगहों पर, और क्या हुआ था मिस्र में, क्या हुआ था कुछ इस्लामिक देशों में, किस तरीके से वहां पर सत्ताएं बदली थी? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ लोग वैसा करें? यहाँ के शांति प्रिय लोग हैं, थोड़ा भगवान में, थोड़ा अल्लाह में, थोड़ा ईश्वर में, थोड़ा वाहेगुरु में भरोसा करते हैं। तो उनकी आस्था को, उनके विश्वास को इतना मत तोड़िए कि उन्हें लगे कि आप जो कहते हैं वो उन्हें बरगलाने के लिए कहते हैं। और इसीलिए आपने जितनी चीजें, आपने कोविड के ऊपर कहा, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, मुझे 21 दिन दे दो कोविड समाप्त हो जाएगा, लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया। प्रधानमंत्री जी आपने कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिवाली करो, आपने हवाई जहाज उड़ाए, लोगों ने नहीं देखा वो हवाई जहाज उड़े और उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उस समय डॉक्टर और नर्सों ने आपसे हाथ जोड़ के कहा कि हमें कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो दे दो। क्या? सैनिटाइजर, हाथ में पहनने वाले दस्ताने जो डॉक्टर पहनते हैं ताकि कोविड के मरीजों को वो देख रहे थे उनकी मौत ना हो। बहुत सारे डॉक्टर, 300 से ज्यादा डॉक्टर मर गए, वो पीपीई किट उन्हें वो नहीं मिली, लेकिन लोगों ने थालियां बजाई, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने उन लाखों लोगों को सड़कों पर जाती हुए देखा जिनकी मौत हो गई, जिनके लिए रास्ते में कोई खाने पीने का इंतजाम सरकार ने किया, लोगों ने किया। और यही सिख लोग जिनको बेशर्मी के साथ आपके लोग देशद्रोही और खालिस्तानी कह रहे हैं, इन्होंने सारे देश में लंगर चलाए जो सड़कों पे चल रहे थे। अभी कोविड के समय उन्होंने लंगर चलाया,
जहां तकलीफ होती है वो लंगर चलाने के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई पैसा देता है, कोई एनजीओ देता है, उनके पास कोई पीएम केयर फंड नहीं, वो सेवा भाव से एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं भूखों को। यहाँ पर भी किसानों के बीच में भी जो खाना है उसका लगभग 70% खाना तो शुरू में लंगरों से ही आया है, अभी भी बहुत सारी जगहों पर आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने तो आपके ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे का मान थोड़ा आप भी लोग रख लें, आप जो सरकार में हैं। हम सब ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी में वो क्षमता है जो इस देश के किसी राजनीतिक नेता में नहीं है, अभी जीवित राजनीतिक नेताओं में तो नहीं है, कि वो लोगों को बतला सकते हैं, समझा सकते हैं, उकसा सकते हैं, सही रास्ते पे ले जा सकते हैं और जहन्नुम में भी ले जा सकते हैं। क्रांति का एक सूत्र बताता हूं आपको, जब 0 आवर आता है, जिसके पास जो जिसका समय बहुत दूर नहीं है, सुन लीजिए जो सरकार में लोग हैं, जब 0 आवर आता है तो एक ही फैसला होता है कि एक रास्ता विनाश की तरफ जाता है, एक विकास की तरफ जाता है। विनाश की तरफ जाने वाला रास्ता अराजकता, अपराध, क्षोभ, विद्रोह, लूट, मार, अमानवीयता की तरफ ले जाता है। वहां जाने से रोकने का जिम्मा अगर किसी के ऊपर है, प्रधानमंत्री जी, आपकी कैबिनेट में और कोई ऐसा नहीं है जिसकी बात के ऊपर 4 लोग भी भरोसा करें। आप में भरोसा इस देश के बहुसंख्या का है, कम से कम 30% का तो है ही, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें अच्छा रास्ता बताना चाहिए। और किसानों के साथ आप ये सोचिए, एक किसान ने कहीं कह दिया, आपके खिलाफ नारा लगा दिया, टेलीविजन चैनलों ने उसका शोर लगा दिया, वो किसान नहीं थे, उनके बीच में एजेंसियों के भेजे हुए लोग थे, उनके बीच में एक राजनीतिक दल जो आपका बहुत प्रिय है उसके भेजे हुए लोग थे जो इस किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। अभी तक तो हिंदू मुसलमान नहीं चला, अभी तक तो खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं चला, अभी तक तो ISI नहीं चला, अभी तो चीन नहीं चला, किसी के एजेंट ये किसान, और उन्होंने जिस समझदारी के साथ इन संबोधनों का, इस अपमान का सामना किया, उसके लिए किसानों को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना अच्छा। नहीं तो अब तक इस देश में प्रधानमंत्री जी 5,000 का जुलूस निकलता है, जाने कितने लोग लुट जाते हैं, 5 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, एक केले का ठेले से किसी ने नहीं लिया, बल्कि उन्हीं को और सामान दिया। ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनका अपमान करना अपने पुरखों का अपमान करना। आपको जो भी लोग समझाते हैं ये सब मैनेज हो जाएगा, मैनेज क्यों कर रहे हैं आप तो वो तो ये कहते हैं कि हमें रास्ता बता दीजिए ना, हमारी छोटी छोटी मांगे, हमारी फसल इतने पे बिके, हमें ये साधन सुविधा मिले, वो बता दीजिए। लेकिन नहीं, आज मैं देख रहा था आपके एक प्रवक्ता प्रवक्ता हैं उड़ीसा के, वो टेलीविजन पर बैठ के भाषण दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या क्या करने जा रही, और मैं उनको देख रहा था कि उस महान बेवकूफ को जो बैठ के ये भाषण दे रहा था, अद्भुत बेवकूफ लोग आपके यहाँ हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है तो ये अविश्वास आप नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं जो अति उत्साही हैं, जिनको न किसी की सूचना है चीज की, न तकनीक की ज्ञान का ज्ञान है, न सिद्धांत का ज्ञान है, न उन्हें ये मालूम है कि दरअसल समस्याएं हैं कहाँ। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपके जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये राय दी कि ये कमेटी बना दो 4 लोगों की, और देखो कितनी आसानी के साथ हम हैंडल कर ले जाएंगे, क्योंकि वो लोग एक रिपोर्ट देंगे, सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देगा और सरकार कहेगी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हम कुछ कर नहीं सकते, और जाहिर है संसद में आपका बहुमत है, आप उसी को इंडोर्स करा लेंगे संसद से। पर क्या इससे किसानों की, टेलीविजन पे आपने शायद देखा हो किसान कह रहे हैं कि हम 1,000 लोग हैं मरने को तैयार, हम मर जाएंगे, आप चलाइए गोली, हम भूख से मर जाएंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे, अपने आप से कुछ कह नहीं रहे हैं, हम यहीं बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, जाने कहाँ कहाँ से छोटे छोटे बच्चे जा करके
उनके बीच में क्रांतिकारी कविताएं सुना रहे हैं, लोग वहां नाटक कर रहे हैं। देखिए तो ये नक्सलवादी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है, हमारे देश के बच्चे हैं। 18 18 16 16 साल की लड़कियां जाकर के वहां पर भी मध्य प्रदेश से गई थी, और किस शान के साथ और किस साहस के साथ उन्होंने गीत गाए किसानों का मनोरंजन। ये सारी चीज देख करके राजनीतिज्ञों को तो शर्म नहीं आती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा फैसला कर दे और ये फैसला सरकार के लोग करवा दें, ये महान आश्चर्य की चीज है, और जो आश्चर्य हम आज देख रहे हैं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि बोबड़े साहब को इस देश की जो चिंता है वो तो पता चल गया कि ये चार लोगों की कमेटी उन्होंने बना दी, कि कितनी चिंता है जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपको याद दिला दूं कि ये लोकतांत्रिक देश है, आप लोकतांत्रिक देश के मुख्य न्यायाधीश, आपका प्रथम कर्तव्य इस देश के गरीब हैं, इस देश के अमीर नहीं हैं, आपके सारे फैसले उनके हित के होते हैं, पक्ष के होते हैं। इसलिए मैं ये कहने का साहस नहीं कर रहा हूं, अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, एक पत्रकार का कर्तव्य कि आप कहां पर गलत हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, और सरकार गलत होती है फिर अपने को ठीक कर लेती है, फिर पतले रास्ते से निकल जाती है। और इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया, उन्होंने सारा ठीकरा गलत काम करने का सुप्रीम कोर्ट के सर पे रख दिया। कोई समय प्रधान की आलोचना नहीं कर रहा है, मन में कोई भी उनको अपशब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको लोग अपने मन में क्या कह रहे हैं ये आपको समझना है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन आज किसानों को लेकर ये दर्द कल से मन में था, जब से ये फैसला सुना, जब से कमेटी के लोगों के नाम आए, जब से आपकी संवेदनहीनता सामने आई सरकार की भी और सुप्रीम कोर्ट के भी किसानों के प्रति, तब से मन दुखी था। इस देश के साधारण आदमी का मन दुखी हो तो आपको जानना चाहिए कि क्यों दुखी है। आप 135 करोड़ का नाम लेते हैं, उस 135 करोड़ में अगर एक को भी दर्द तकलीफ है, उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर जाएगी। और आप जो न्याय के रक्षक, गरीबों के अधिकारों के, और गरीब इस देश में 70% से ज्यादा हैं, उनके अधिकारों के रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट ही है, तो मुझों पर ताओ जितना देना हो दीजिए, लेकिन उसकी अगर आशा खत्म हो गई तो एक लाइन बता दूं, मरे चाम की श्वास सूं लौह भस्म हो जाए। कबीरदास जी ने कहा कि मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई धौकनी जब लोहार चलाता है तो लोहा जो उस आग में डालता है वो भस्म हो जाता है। आप तो व्यवस्था है, इस देश के लोगों का विश्वास इतना मत टूटने दीजिए कि उसे लगे कि जो आ रहा है उसे एक उत्सव का पात्र बना करके उसे बेवकूफ बना के चला जाता। मैंने कोविड का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि अभी एक ब्लंडर हुआ है और हम तालियां बजा रहे हैं, आज सवेरे से टेलीविजन कल से दिखा रहे हैं कैसे वैक्सीन चली, कैसे वैक्सीन पहुंची, कैसे डॉक्टरों ने ताली बजाई, अब देश में आराम है। दो लेवल की सिर्फ ट्रायल हुए हैं, तीसरे लेवल का अभी नहीं हुआ, और लोगों के मन में ये आशा पैदा हो गई कि अब हम कोविड से बच जाएं, अब हमें कोरोना नहीं होगा क्योंकि वैक्सीन हमें मिल जाएगी। बिल्कुल सही, ईश्वर करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, वाहेगुरु काम की मेहर हो, ऐसा ही हो। लेकिन जो साइंटिस्ट बना रहे हैं उनकी राय तो माननी चाहिए। आप कह रहे हैं जो वैज्ञानिक कहेंगे वही हम करेंगे, तो वैज्ञानिकों तो नहीं ने तो नहीं कहा कि आप दो ट्रायल के बाद ही इसको हिंदुस्तान के लोगों को लगाने भेज दीजिए क्योंकि इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी है, आप बाहर से कहीं से आते हैं, बहुत भूख लगा है, तो आप कच्चा दाल और चावल खा लेंगे या सिर्फ एक सीटी में कुकर में आया हुआ दाल चावल खा लेंगे? पेट खराब हो जाएगा, उल्टी होने लगे, बीमार हो जाएंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा। इसीलिए 3 सीटियां होने दीजिए, 4 सीटियां होने दीजिए कुकर में, तब वो खिचड़ी दाल चावल पकेगा। लेकिन आपको तो लोगों ने कहा कि जल्दी 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 करो, जल्दी करो, आपने कर दिया।
अभी बाकी जगहों पर जो कोविड के टीके लग रहे हैं उनके रिजल्ट जो हमारे पास वेबसाइटों की वजह से आ रहे हैं, हम जो फोन कर रहे हैं, इंग्लैंड का उदाहरण दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी, लोग परेशान हैं वहां पर, डॉक्टर की मौत हो गई है फाइजर की वैक्सीन से। हमारे यहाँ तो अभी लगा है, देखिए अब ईश्वर करे कि हमारे यहाँ सफल हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ईश्वर सफल करता है, जो जो सब कुछ ईश्वर करता है, जिस तरह का देश चल रहा है वो ईश्वर ही चला रहा है। इसलिए इस कोविड को भी उत्सव बना दिया। मुझे सिर्फ ये कहना था कि 1 महीने में या शायद 40 दिन में वो तीसरे दौर का प्रयोग पूरा हो जाता, तब अगर आते आते तो क्या हर्ज। लेकिन खैर, आपका फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश में उत्सव है, उत्साह है, टेलीविजन आपके साथ है, और वो लोगों को समझा रहे हैं कि अब सारी समस्याओं का हल हो गया, ये वैक्सीन पहुंच गई, अब सबको लग जाएगी 10 दिन के बाद। इसके ऊपर भी शायद लोग बात करें, मेरी प्रार्थना है कि अच्छी बात करें, अच्छी ही बात करनी चाहिए, भले ही कितना निगेटिव हो, क्योंकि निगेटिव खबरें तो हमारे यहाँ टेलीविजन अब देते नहीं, वही खबरें देती हैं देते हैं जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आपके पास हमारे पास आती है, वही टेलीविजन हमको परोसता है। और ये लोकतंत्र का स्वरूप और लोकतंत्र के सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप, लोकतंत्र की सरकार का स्वरूप, इससे और बरकत मिले, ये और मजबूत हों और ठीक हों। और जो आप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री की देश के सारे किसानों की समस्या नहीं है, वो अगर चाहेंगे तो किसान सचमुच में जो कह रहा हूँ सोच लेगा कि 50 लाख लोगों को दिल्ली ले चलो, देखते हैं फिर क्या हो। अभी आपके ऊपर प्रधानमंत्री जी भरोसा है, बोबड़े साहब आपके ऊपर तो भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब भरोसा नहीं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मखौल उड़ाया है लोगों की तकलीफ का, दर्द का, किसानों के त्याग का, इसे क्या कहेंगे, अपमान कह सकते हैं, बहरहाल जो भी है, लेकिन हम फिर इसके बारे में आएंगे। लेकिन आज किसान जिस तरीके से चारों तरफ प्रतियां जला रहे हैं और जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, सारे देश से ज्यादातर जगहों से ट्रैक्टर चल पड़े हैं दिल्ली के लिए, 26 जनवरी को किसान का जुलूस जो पैरेलल होगा टैंकों के, देखने में मजा आएगा, दुनिया देखेगी, ये इस देश के अन्नदाता हैं और ये इस देश के पता नहीं कौन से दाता हैं। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नजर रखिए आंकड़ों के ऊपर कि आज आंकड़े आपको टेलीविजन क्या देता है कि कितने कोविड के मरीज हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं, कितनों को लगी और उनका क्या हो, आंकड़ों पे थोड़ी नजर।